पेट्रोल और डीजल के दामों में गुरुवार को फिर राहत मिली है। लगातार 6 दिनों से जारी गिरावट बुधवार को थम गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कारोबारी सत्र में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आगे पेट्रोल और डीजल के दाम में और राहत मिलेगी। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 41 पैसे घटकर 75.97 रुपए प्रति लीटर हो गए। डीजल के दामों में भी 30 पैसे की कटौती देखने को मिली है और नए दाम 70.97 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर आ गए हैं। मुंबई में भी पेट्रोल के दामों 40 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है और आज यह 81.50 रुपए प्रति लीटर बिका। वहीं डीजल के दाम 32 पैसे घटकर 74.34 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। पिछले करीब 1.5 महीने में ब्रेंट क्रूड का भाव $23 प्रति बैरल से ज्यादा गिरा है। कच्चे तेल का दाम मंगलवार को 6% से ज्यादा लुढ़का। हालांकि पिछले सत्र की गिरावट के बाद बुधवार को कच्चे तेल के दाम में रिकवरी आई है। पिछले सत्र में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 1 साल के निचले स्तर पर आ गया। अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट यानी WTI मंगलवार को $53 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया। पेट्रोल 4 अक्टूबर को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तब दिल्ली में इसकी दर 84 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 91.34 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। इसी तरह 4 अक्टूबर को डीजल भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। दिल्ली में यह 75.45 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 80.10 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। पेट्रोल और डीजल के भाव 16 अगस्त से बढ़ने शुरू हुए थे। तब दिल्ली में पेट्रोल 77.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 68.72 रुपए प्रति लीटर पर था।